आई एम राहुल जायसवाल, फैकल्टी मेंबर ऑफ इंग्लिश, ओके एट मिस्टर रिस्ट्रिक्ट। आइए शुरुआत करते हैं वर्ब का। हम बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं वर्ब के, राइट, वर्ब में मॉडल वर्ब, ओके, इनका यूज कैसे किया जाता है, एग्जाम में इनके बेसिस पे प्रश्न कैसे आते हैं, इन सब सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके। तो कल हमने सीखा यूज ऑफ कैन, यूज ऑफ कुड, यूज ऑफ मे और यूज ऑफ माइट। आज उससे आगे चलते हैं, ठीक है। आज हम पढ़ते हैं यूज ऑफ शुड, राइट। आइए बात करते हैं यूज ऑफ शुड के बारे में, शुड का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। क्लास आज की बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को आप पूरा देखिए और अंत तक देखिए, राइट। और जो चीजें आपको नहीं समझ में, आप में कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। शुरुआत करते हैं यूज ऑफ शुड से। यूज ऑफ शुड, देखिए शुड का यूज कहां कहां किया जाता है, राइट। शुड का यूज किया जाता है सजेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, शुड का यूज किया जाता है एडवाइस का एक्सप्रेस करने के लिए, शुड का यूज किया जाता है मॉरल ऑब्लिगेशन या ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए। इन सारी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, शुड का यूज करते हैं। आइए इसको पहले हिंदी में समझते हैं, बाद में इंग्लिश में डिफाइन भी हम कर देंगे। शुड का यूज एडवाइस हो, शुड का यूज सजेशन हो, शुड का यूज मॉरल ड्यूटी या ऑब्लिगेशन हो, इन सबको एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, शुड का यूज करते हैं। आइए इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं, ठीक। Should is used to express duty, obligation, right? Should is used to express duty, obligation, suggestion and advice. इन सारे सिचुएशन में शुड का यूज करते हैं। क्या लिखा है, ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है, सजेशन है या एडवाइस है। इन सारे सिनेरियो में, इन सारे सिचुएशन में हम शुड का यूज करते हैं। आइए एग्जाम्पल से देखेंगे तो और समझ में आएगा। इसमें कहें यू शुड रिवाइज your chapters, you should revise all your chapters। एक कहीं ना कहीं क्या है, suggestion, एक क्या है, एक कहीं ना कहीं आपके लिए क्या है, एक suggestion, right? हम कहें you should take your medicine, in time। क्या लिखा हुआ है, यू शुड टेक योर मेडिसिन इन टाइम, आपको अपनी दवा को समय से लेनी चाहिए। ये क्या है, कहेंगे ये एडवाइस है, क्या है, ये एडवाइस में आ जाएगा। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। यू शुड रिवाइज ऑल योर चैप्टर्स, कहीं कहीं सजेशन आएगा। यू शुड टेक योर मेडिसिन इन टाइम, कहीं कहीं एडवाइस के अंतर्गत जाएगा, ओके। और हाँ, फिर हमने कहा कि मोरल ऑब्लिगेशन हो या मोरल क्या हो, ड्यूटी हो, इनको शो करने के लिए शुड का यूज किया जाता है। जैसे हम कहें ऑल सर्जन शुड अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द रूल, ओके। हम कर रहे हैं डिस्कस यूज ऑफ शुड, ओके। हम कह सकते हैं ऑल सर्जन, All surgeons should abide by the rules of the room. Clear है? All surgeons should abide by the rules of the room. सारे नागरिकों को यातायात के नियम का पालन करना चाहिए। एक कहीं ना कहीं क्या है, एक ड्यूटी है, क्या है, ए हर इंसान का नैतिक कर्तव्य है, राइट, ओके। इतना समझ में आया, एक आप ड्यूटी बोल सकते हो या इसे आप रखिए ऑब्लिगेशन में,
राइट हाँ, कहीं ना कहीं ड्यूटी भी है और अपनी ये ऑब्लिगेशन भी है, हम कहें अ स्टूडेंट ए स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट हिज टीचर, क्या लिखा है, ए स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट हिज टीचर, एक विद्यार्थी को अपने टीचर की बात माननी चाहिए, ये भी कहेंगे क्या है ए उसकी ऑब्लिगेशन, ए क्या है ए ड्यूटी भी आप बोल सकते हो, कि ड्यूटी और ऑब्लिगेशन कम ज्यादा एक ही होते हैं, इन्हें आप ड्यूटी के अंतर्गत भी रख सकते हो और इन्हें आप ऑब्लिगेशन भी बोल सकते हो, राइट right? तो क्या है इन सिनेरियो में हम क्या करते हैं शुड का यूज करते हैं, ये सारे एग्जांपल्स आपको जरूर समझ में आए होंगे। अब देखिए शुड का यूज शुड का यूज कभी कभी पॉसिबिलिटी को बताने के लिए भी किया जाता है, शुड का यूज सेंटेंस में पॉसिबिलिटी या एजम्पशन को रेफर करने के लिए भी किया जाता है, कैसे किया जाता है, कैसे सेंटेंस बनते हैं आइए देख लेते हैं, ठीक है। Sometimes should is used to express possibility or assumption. Okay. Sometimes should is used. Sometimes should is used to express. To express. पॉसिबिलिटी एज पॉसिबिलिटी एज बातें समझ में आ रही है, समटाइम्स शुड इज यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी एज वेल, कभी कभी हम क्या करते हैं शुड का यूज पॉसिबिलिटी को बताने के लिए भी हम करते हैं, जैसे हम कहें इट इज संडे टुडे, It is Sunday today. Ravi should be at home. Ravi should be at home. Okay? कहीं हमारी क्या है? ये हमारी assumption है और कहीं ये possibility भी है. क्या कह रहा है? कि it is Sunday today. आज क्या है? Sunday है. Ravi को घर पर होना चाहिए. ये ना तो suggestion है और ना ही advice है, ना ही duty है और ना ही क्या है? Obligation है. ये क्या है कहीं ना कहीं आपका एक पॉसिबिलिटी है कि आज रविवार है रवि को घर पे ही होना चाहिए, बातें समझ में आ रही हैं, राइट। और एक वर्ब हमारे पास होता है लेस्ट, ओके लेस्ट एक सॉरी लेस्ट एक कंजंक्शन होता है, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, लेस्ट के बाद जो आने वाला मॉडल्स होगा वो हमेशा शुड का ही यूज करोगे आप, लेस्ट के बाद जो मॉडल वर्ब का यूज किया जाएगा वो शुड ही होगा, आइए इसको लिख देते हैं और समझा भी देते हैं। Okay. After conjunction, lest. Okay. क्या लिखा हुआ है lest. Lest का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, राइट क्या लिखा है आफ्टर कंजंक्शन लेस्ट, इसकी हिंदी होती कहीं ऐसा ना हो कि, ठीक है, ऑलवेज शुड इज यूज्ड, क्या लिखा है आफ्टर कंजंक्शन लेस्ट ऑलवेज शुड इज यूज्ड, ओके कंजंक्शन लेस्ट के बाद हमेशा शुड का यूज किया जाता है और लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, हम कह सकते हैं walk carefully lest you should stumble down,
एक वर्ब होता है स्टम्बल डाउन, इसका मतलब होता है लड़खड़ाकर गिर पड़ना। स्टम्बल डाउन का मतलब होता है चलते चलते लड़खड़ाकर गिर जाना, उसे स्टम्बल डाउन बोलते हैं। तो वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड स्टम्बल डाउन। आपको एक ध्यान देना है, लेस्ट क्या होता है, लेस्ट एक निगेटिव कंजंक्शन होता है। क्या होता है, लेस्ट एक निगेटिव कंजंक्शन होता है। राइट, लेस्ट एक निगेटिव कंजंक्शन होता है, इनके बाद आपको नॉट का यूज नहीं करना है। ओके, नॉट इज नॉट यूज्ड, नॉट इज नेवर यूज्ड आफ्टर दैट, आफ्टर दैट। इसका मतलब क्या होता है कि लेस्ट जिसकी हिंदी होती है, कहीं ऐसा ना हो कि एक निगेटिव कंजंक्शन होता है, इनके बाद आपको नॉट का यूज नहीं करना है, क्योंकि ए अपने क्योंकि इसमें नॉट पहले से ही इन्वॉल्व है, तो आपको अलग से नॉट नहीं लगाना है। अपने एग्जांपल पे देख लीजिए, हमने यहाँ पे नॉट तो नहीं लगाया है, नॉट लगाओगे सेंटेंस गलत हो जाएगा और एग्जाम में नॉट करके ही आपको देगा। राइट, जैसे अगर दे दिया जाए, रवि वर्क हार्ड, रवि वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल इन योर एग्जाम। एक सेंटेंस से अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, रवि वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल इन योर एग्जाम। ओके, चीजें समझ में आ रही हैं, आइए देखते हैं। रवि वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल इन योर एग्जाम। रवि कठिन प्रयास करो, कहीं ऐसा ना हो कि एग्जाम में फेल हो जाओ। ओके, अब हमने कहा ना कि लेस्ट क्या होता है, पहले से ही निगेटिव होता है, नॉट इसमें पहले से ही इन्वॉल्व होता है, इसलिए इनके साथ आपको नॉट का यूज नहीं करना है। तो दोनों सेंटेंस को अगर कंपेयर किया जाए तो यह सेंटेंस आपका सही है और ये क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। और जनरली एग्जाम में इनके साथ नॉट करके दे दिया जाता है, इनके साथ नॉट दिखा मिल जाए तो क्या करिएगा, उसे उसे गलत मार दीजिएगा। बातें समझ में आ रही हैं, आई होप जितनी भी चीजें आपसे डिस्कस की जा रही हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा। आइए इसके बेसिस पे एग्जाम में प्रश्न कैसे आते हैं वो देख लेते हैं। राइट, एक काम करते हैं, हाँ एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ओके, एक आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है इसी मॉडल वर्क स्टूड के बेसिस पे। हमने कहा था ना कि यू शुड कम बैक होम, आफ्टर The party was over, right? छोटा sentence है और इस sentence से आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। Sentence क्या कह रहा है? You should come back home after the party was over. Party खत्म हो जाने के बाद आपको घर वापस आना चाहिए था, इस sentence का मतलब है। Okay? इसको समझने से पहले कुछ हम basic समझ लेते हैं। इसमें कहें You should come back home. You should come बैक होम। और बगल में एक सेंटेंस में और लिख रहा हूं, यू शुड हैव कम बैक होम। एक पहला सेंटेंस है और एक दूसरा है।
हमें ये समझते हैं दोनों में कौन सा सही है, पहला सही है दूसरा गलत है, दूसरा सही है या पहला गलत है या दोनों गलत है। ओके आइए समझते हैं। यू शुड कम बैक होम, आपको घर वापस आना, मतलब आपको घर वापस आ जाना चाहिए। ओके ए इसका मतलब है। तो दूसरा सेंटेंस है सही दोनों है, सही आपका पहला वाला भी है और सही आपका दूसरा वाला भी है, लेकिन दोनों के कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है और उसी कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, राइट। इस पहले का मतलब क्या कि अभी एक्शन हुआ नहीं। ओके आपको मैं प्रेजेंट में एडवाइस दे रहा हूं, मेरे कहने के बाद आप घर वापस आओगे। मैं ये कह रहा हूं कि पार्ट राइट घर वापस आ जाना चाहिए, यू शुड कम बैक होम, आपको घर वापस आना चाहिए। अभी आप जा नहीं रहे हो पार्टी, चले जाओ पार्टी, आपको घर वापस आना चाहिए। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट की आपको एडवाइस दिया जा रहा है, इसका मतलब है कि वो एक्शन आपको क्या होगा, वो एक्शन प्रेजेंट नहीं, वो एक्शन फ्यूचर में होगा। कल आपको समझाया गया था कि जब किसी भी मॉडल वर्ब के साथ आप वर्ब की बेस फॉर्म को ऐड करते हो तो वह एक्शन जो होता है वो प्रेजेंट में नहीं फ्यूचर में होता है। जैसे हम कहें यू मे गो होम नाउ, अब आप घर जा सकते हो, इसका मतलब क्या है कि मैंने आपको अलाउ कर दिया है, अब आप घर जा सकते हैं। तो मेरे कहने के बाद तो आप जाएंगे ना। तो कभी भी अगर आपने मॉडल वर्ब लिखा है उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म लगाई है तो कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में ले जाएंगे, उस एक्शन का जो एक्सक्यूशन होगा वो कब होगा, वो फ्यूचर में होगा। अपने सेंटेंस को देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं ये आपका क्या है, प्रेजेंट का सजेशन है, प्रेजेंट की एडवाइस है जो फ्यूचर में होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यू शुड, अब दूसरे वाले सेंटेंस का मतलब क्या है, ये लिखा हुआ है यू शुड हैव कम बैक होम, आपको घर वापस आना चाहिए था। इसका मतलब क्या है कि आप पार्टी में गए लेकिन आप घर वापस नहीं आए। तो पास्ट का जो एक्शन हो चुका है उसके बारे में कहा जा रहा है, जो लिखा गया है एक्शन उसके विपरीत हुआ है। इसका मतलब जो होना था हो गया, आपको पार्टी में, आपको पार्टी खत्म हो जाने के बाद या आपको घर वापस आना चाहिए था लेकिन आप घर वापस नहीं आए। अपने क्वेश्चन में आ जाइए। अब ये डिक्टो सवाल आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, ए पार्ट है, ए बी पार्ट है, अभी क्या है, सी पार्ट है। अब हमें ये समझना है कैसे हम समझें कि पास्ट का एक्शन है। तो आपको समझना होगा कि टाइम डिसाइड द टेंस, अगर यहाँ पर वास ना लिखा होता, वास के स्थान पे इज होता तो सेंटेंस में कोई दिक्कत ना होती। यहाँ पे वास लिखा है, वास आपके टाइम को बताता है और कहीं कहीं वास पास्ट के टाइम को इंडिकेट करता है ना। तो पास्ट के टाइम का मतलब है कि जो एक्शन होना था वो हो गया ना। तो यहाँ पे आपको राइट, अब इस वास के हिसाब से यहाँ आपको लिखना होगा यू शुड कम, यू शुड हैव होगा, ठीक है, यू शुड हैव कम बैक होम। तो कहीं गलती किस पार्ट में थी, गलती ए पार्ट में थी। ओके गलती आपका ए पार्ट में थी, आपका सेंटेंस हो जाएगा यू शुड हैव कम बैक होम आफ्टर द पार्टी वाज ओवर। आइए एक सेंटेंस हम और देखते हैं। When Saurabh, made a noise in the class, you should complain the teacher, right? अब एक सेंटेंस में और लिख रहा हूं, when Saurabh makes a noise in the class, when Saurabh makes a noise in the class, you should यहां टू होगा, ठीक है, you should complain to the teacher। बातें समझ में आ रही हैं। पहला सेंटेंस क्या है, when Saurabh made a noise in the class, you should complain to the teacher। दूसरा क्या है, when Saurabh makes a noise in the class, you should complain to the teacher। अब देखिए अगर पहले सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस को कंपेयर किया जाए तो बस हल्का सा डिफरेंस है, यहाँ पे मेक के स्थान पे मेड आ गया है और यहाँ पे मेक्स आ गया है। तो दोनों सेंटेंस को कंपेयर किया जाए तो ये दूसरा सेंटेंस सही है कि ए कह रहा है कि जब सौरभ क्लास में शोर करे, मतलब अभी सौरभ ने शोर नहीं किया है,
आपको पहले से ही एडवाइस दी जा रही है कि अगर सौरभ या जब सौरभ क्लास में शोर करे तो आप तुरंत टीचर को बताना। ना अभी ना तो आपने टीचर को बताया है और ना ही अभी सौरभ ने शोर किया है, बस आपको पहले से ही एडवाइस दी जा रही है कि जब सौरभ क्लास में शोर करे तो टीचर से तुरंत बताना, आपका एक कहा जा रहा है। तो ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, दोनों एक्शन फ्यूचर में होंगे। तो हमने क्या किया है, मॉडल्स के साथ वर्ब की बेस फॉर्म लिखा है, सेंटेंस हमारा सही हो गया। अब इस सेंटेंस पे आइए, इसमें लिखा है व्हेन सौरभ मेड नॉइस इन द क्लास, जब सौरभ ने क्लास में शोर मचाया था, तो एक्शन हो चुका है ना। और आपको पता है टाइम डिसाइड द टेंस, जो टाइम होता है वो टेंस को डिसाइड कर देता है ना। तो व्हेन सौरभ मेड नॉइस इन द क्लास का मतलब क्या है, जब सौरभ ने क्लास में शोर मचाया था तो आपको टीचर से शिकायत करनी चाहिए थी। तो ये मॉडल क्या है, पास्ट में चला गया ना। जब मॉडल्स को आप पास्ट में ले जाते हो तो आप हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो। तो अगर मैं इसको ए बी सी पार्ट में कर दूं, ए पार्ट है, बी पार्ट है और ये क्या है, सी पार्ट है, तो गलती किस में आ जाएगी, गलती आ जाएगी सी पार्ट में। यहां लिखना होगा हैव कंप्लेन, यहां पे हैव आएगा और यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ये हो जाएगा व्हेन सौरभ मेड एडवाइस इन द क्लास यू शुड हैव कंप्लेंड टू द टीचर, you should have complained to the teacher, आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी और वहां पे have लगाना होगा। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपको बारीकियां नहीं पता है, अगर आप ध्यान नहीं देते हो तो गलतियां करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। राइट, चीजों को बराबर समझते चलिए और जो बातें आपको नहीं समझ में आती आप क्या करिए, आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप शुड के सारे यूजेस, शुड के सारे फंक्शंस आपको समझ में आए होंगे। अब हम आगे चलते हैं यूज ऑफ शुड पर। अब शुड हमने सीखा है, हम बात करते हैं यूज ऑफ उड पर। ठीक है, उड का यूज कहां कहां किया जाता है, देखिए सर जो सबसे पहला यूज होगा उड का वो हम लिख पाएंगे आपको या बताने जा रहे हैं। उड का यूज पास्ट के रेगुलर एक्शंस को बताने के लिए किया जाता है। हाँ, उड का यूज पास्ट में भी किया जाता है, पास्ट के उन एक्शंस को बताने के लिए जो पास्ट में रेगुलर हुआ करते थे, या पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए उड का यूज किया जाता है। आइए इसको लिख देते हैं। Would is used to express regular or habitual action of the past. Right? क्या लिखा हुआ है? Would is used to express regular or habitual action of the past. Past के regular या habitual action को express करने के लिए हम उनका use करते हैं। आइए example देखते हैं। इसमें कहें, जब वह छोटा था तो school पैदल जाया करता था। तो एक क्या है? एक past के regular actions हैं। ये ऐसे actions हैं जो past में daily हुआ करते थे ना? Okay? तो हम लिख सकते हैं when he was a child. When he was a child, he would go to school daily. Right? When he was a child, he would go to school daily. यहां पे हम would को चाहे तो used to से replace कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर past के regular action को बताने के लिए जो काम would करता है वही same function क्या करता है, used to भी करता है। तो इस सेंटेंस को हम चाहे तो उड के स्थान पर रिप्लेस कर सकते हैं यूज टू को। हम लिख सकते हैं when he was a child he used to go to school। आई होप चीजें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होंगी, लेकिन हल्का सा डिफरेंस होता है, एक स्लाइट डिफरेंस होता है उड और यूज टू में। और डिफरेंस क्या है आइए हम डिस्कस, क्योंकि वही डिफरेंस के बेसिस पे एग्जाम में बराबर क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए उड और यूज्ड में डिफरेंस क्या है, जो उड होता है उसका यूज आप प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में, तीनों सिचुएशन में कर सकते हैं। लेकिन जो यूज्ड होता है, यूज्ड का यूज केवल स्पेसिफिकली वो पास्ट के रेगुलर एक्शंस को बताने के लिए किया जाता है। ये तो आप जानते होंगे ना कि जो यूज्ड होता है उसका यूज
वन एंड ओनली पास्ट के रेगुलर एक्शन को बताने के लिए किया जाता है, लेकिन जो हमारे पास वुड होता है एक प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में तीनों के लिए किया जाता है। तो इसलिए हमें यह ध्यान देना है कि जब आप वुड का यूज पास्ट के एक्शन के लिए करेंगे तो हमेशा उस पास्ट के टाइम को मेंशन करना जरूरी हो जाता है। आपको हम लिख के समझाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए, जैसे हम कहें ही यूज टू प्ले क्रिकेट, ही वुड प्ले क्रिकेट, और यहां पे क्या है, ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। बातें समझ में आ रही हैं? ही वुड प्ले क्रिकेट, ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, आपका देखा जाए तो ये सेंटेंस सही है और ये क्या है, गलत हो गया है। अब यूज टू लगा दिया है तो आप डैम से और पास्ट की ही बात करोगे, पास्ट के रेगुलर एक्शन की बात करोगे, तो सेंटेंस हम कह दें कि ही यूज टू प्ले क्रिकेट, इसका मतलब क्या है, वह क्रिकेट खेला करता था। लेकिन अब यहां पर उड के साथ किसी भी पास्ट टाइम को हमने मेंशन नहीं किया है ना, तो इसका कई मतलब हो सकते हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वह क्रिकेट खेलेगा, राइट। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वह क्रिकेट खेला करता था, तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग कन्वे नहीं हो पा रहा है क्योंकि उड का यूज प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर तीनों में यूज किया जाता है। तो इसका मीनिंग हो गया एम्बिगुअस, इसके दो मतलब हो गए। जिसके दो मतलब हो जाते हैं उस सेंटेंस इंग्लिश में सही नहीं माना जाता, इसलिए ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। तो जब वुड का यूज आप पास्ट में करते हो पास्ट के रेगुलर एक्शन को बताने के लिए, तो उनके साथ पास्ट के टाइम पॉइंट को मेंशन करना जरूरी है। जब तक पास्ट के आप टाइम पॉइंट को नहीं लगाओगे, पास्ट के कोई टाइम को मेंशन नहीं करोगे, वुड का यूज आप नहीं कर सकते पास्ट के रेगुलर एक्शन को बताने के लिए। यहां पे कुछ भी जोड़ दीजिए, आप कह दीजिए व्हेन ही वॉज इन द विलेज। अब देखिए हमने क्या किया है, हमने पास्ट के टाइम को मेंशन कर दिया, व्हेन ही वॉज इन द विलेज, जब वो गांव में था तो क्रिकेट खेला करता था। आप लिख सकते ही वुड प्ले क्रिकेट। बातें समझ में आ रही हैं? व्हेन ही वॉज इन द विलेज ही वुड प्ले क्रिकेट, जब वो गांव में था तो क्रिकेट खेला करता था। अब जाके सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। हम लेकिन सिंपली इतना नहीं कह सकते कि ही वुड प्ले क्रिकेट, सेंटेंस दो अर्थ देगा भाई, और जिस सेंटेंस के दो अर्थ होते हैं उसे गलत ही तो माना जाता है। इतना क्लियर है? ओके, आई होप सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। जबकि यूज टू क्या होता है, यूज टू से मीनिंग क्लियर हो जाता है क्योंकि यूज टू केवल पास्ट के रेगुलर एक्शन को शो करने के लिए किए जाते हैं। और हाँ, एक अंतर और है, आपको पढ़ाया गया था वर्ब, तो हमने पढ़ाया था वर्ब होते हैं बेसिकली दो प्रकार के, एक होते हैं स्टेटिव वर्ब और एक होते हैं एक्शन वर्ब। जब उड का यूज पास्ट के रेगुलर एक्शन के लिए किया जाएगा तो इसका यूज केवल एक्शन वर्ब के साथ होगा, इसका यूज आप स्टेटिव वर्ब के साथ नहीं कर सकते। इसको हम लिख देंगे, ठीक है, इसको हम पहले लिख रहे हैं फिर आपको एग्जाम्पल समझाएंगे, तो दोनों आपको फिर जो लिखा जाएगा और जो समझाया जाएगा वो दोनों समझ में आ जाएगा, ठीक है। टू एक्सप्रेस, टू express the regular action of the past, to express the regular action of the past, we use would We use would with action verbs, not with stative verbs, right? क्या लिखा हुआ है, to express the regular action of the past, we use would with action verbs, not with stative verbs. Regular past के regular actions को बताने के लिए जब would का use करोगे तो आपको ये भी ध्यान देना है
तो उड का यूज आप एक्शन वर्ब के साथ करोगे, उड का यूज आप स्टेटिव वर्ब के साथ आप नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर मैं कहूं व्हेन रवि वॉज इन क्लास 10, व्हेन रवि वॉज क्लास 10 ही उड लाइक प्रिया। क्या लिखा हुआ है? When Ravi was in class 10, he would like Priya. अब sentence देखिए, अब ये like क्या है? Like है, love है, understand है, okay? Hear है, see है, आपको समझाया गया था, stative verb होते हैं, right? तो ध्यान दीजिएगा, जब आप would का use stative verb के साथ करेंगे तो sentence गलत माना जाएगा past के regular action के साथ, ठीक है? तो यहाँ sentence क्या हो गया है? गलत हो गया है। गलत होने की वजह क्या है? यहाँ पे लाइक क्या है? स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब के साथ आप उसका यूज नहीं कर पाएंगे। फिर सही क्या होगा, आइए देख लेते हैं। इसका सही हो जाएगा व्हेन रवि वॉज इन क्लास 10 ही उड तो गलत हो जाएगा भाई, ही यूज टू लाइक प्रिया। अब सेंटेंस क्या हो गया? सही हो गया। बातें समझ में आ रही हैं, तो इनको आप इनको आप रिप्लेस कर दीजिए। किससे? इसको रिप्लेस करिए यूज टू से, क्योंकि यूज टू क्या है? सदाबहार है, इसका यूज सबके साथ कर दिया जाता है। कि जो उड होता है इसका यूज आप स्पेसिफिक सिचुएशन में करोगे, इसका यूज आप सबके साथ नहीं कर सकते। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे होंगे, राइट? ओके, अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ जाता है, आइए एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। और आई होप जितनी भी चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं या डिस्कस की जा रही हैं वो आपको जरूर समझ में आ रही होंगी। जैसे अगर हम कहें व्हेन आई वॉज इन द विलेज, व्हेन आई वॉज इन द विलेज, व्हेन आई वॉज इन द विलेज देयर वुड बी ए गार्डन इन फ्रंट ऑफ माय हाउस। क्या लिखा हुआ है? When I was in the village, there would be a garden in front of my house. जब मैं गांव में था तो मेरे घर के सामने एक बगीचा हुआ करता था। ये सेंटेंस का मतलब है, ओके? अब ये सेंटेंस क्या हो, अगर इसको ए बी सी पार्ट में बांट दे सेंटेंस भाई गलत हो जाएगा। अगर इसको ए पार्ट कहा जाए, इसको बी पार्ट कहा जाए, और इसको सी पार्ट का नाम दिया जाए, आखिरी क्या हो जाएगा? आखिरी हो जाएगा नो एरर, ओके? तो गलती आपका किसमें आ जाए? गलती आपका बी पार्ट में हो जाएगा, कि आपको पता है हम नहीं कर सकते स्टेटिव वर्ब के साथ उड का यूज, स्पेशली पास्ट के रेगुलर एक्शंस को बताने के लिए हमें यूज करना पड़ता है यूज टू का। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही हो जाएगा व्हेन आई वॉज इन द विलेज, व्हेन आई वॉज इन द विलेज देयर यूज टू बी होगा, ठीक है? There used to be a garden. In front of my house. अब सेंटेंस हमारा क्या हो गया? सही हो गया। When I was in the village, there used to be a house in front of my. Okay, there used to be a garden in front of my house. अब जाके सेंटेंस सही हुआ। I hope उड का यूज इस सिनेरियो में आपको समझ में आया होगा। उड के और भी कई सारे यूजेस हैं, आइए उनको देख लेते हैं। चलिए ओके, आगे क्या है? उड इज यूज उड
used or is used to express preference offer or invitation. क्या लिखा हुआ है? What is used to express preference, offer or invitation? Preference को, offer को या invitation को show करने के लिए उनका यूज किया जाता है. आइए example देखते हैं. अगर कोई कहे कि मैं फेल होना पसंद करूंगा लेकिन नकल करना नहीं, तो कहीं ना कहीं आप दो चीजों में किसको प्रेफरेंस दे रहे हो? आप दो चीजों में प्रेफरेंस दे रहे हो फेल होने को ना. जहां पर प्रेफरेंस की बात आती है आप वहां भी उड का यूज कर सकते हैं. तो हम कह सकते हैं he would rather fail than cheat in the exam. राइट यह हम कह सकते हैं रवि मरना पसंद करेगा लेकिन भीख मांगना नहीं. तो यहां भी आप दो चीजों में किसको प्रेफरेंस दे रहे हो? मरने को. अपेक्षा किसके? भीख मांगने की. तो यहां भी आप उड का यूज करेंगे. हम कह सकते हैं रवि वुड रादर डाई देन डेथ. अब दोनों सेंटेंस क्या हैं? बिल्कुल सही. इससे क्या हो रहा है? इससे किसका बोध हो रहा है? इससे बोध हो रहा है प्रेफरेंस का. भाई इससे किसका बोध हो रहा है? इससे बोध हो रहा है प्रेफरेंस का. और सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है. आइए हम इनविटेशन को देख लेते हैं और ऑफर को देख लेते हैं. ठीक है, चलिए हम कह सकते हैं Would you like to have a cup of tea with me? क्या आप मेरे साथ एक कप चाय पीना पसंद करेंगे? तो हम सामने वाले को ऑफर ही तो कर रहे हैं ना. हम कह सकते हैं Would you like to have a cup of tea. Would you like to have a cup of tea with me? Okay, ये क्या है? ये कहीं कि आपको ऑफर दिया जा रहा है ना. राइट, या would you like to talk to me? राइट, तो यहां पे क्या है? यहां पे आपको ऑफर दिया जा रहा है. इन सिनेरियो में हम उड का यूज कर सकते हैं. तो उड का यूज प्रेफरेंस, ऑफर और इनविटेशन के लिए किया जाता है. उड का यूज हम क्या कर सकते हैं? आपको बताया था उड का यूज पास्ट के रेगुलर एक्शन को बताने के लिए किया जाता है. और कुछ सिचुएशन में उड का यूज किया जाता है, आइए उसको देख लेते हैं. देखिए वुड का यूज इमेजिनरी एक्शन को बताने के लिए भी किया जाता है. राइट, वुड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द इमेजिनरी आर हाइपोथेटिकल एक्शंस. ओके, आइए देख लेते हैं. वुड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस imaginary imaginary are
हाइपोथेटिकल एक्शंस, राइट, इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए उनका यूज किया जाता है। आइए एग्जांपल देखते हैं। हम कह सकते हैं इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, यदि मैं पक्षी होता तो उड़कर तुम्हारे पास चला आता। आइए देख लेते हैं एग्जांपल्स। If I were a bird, I would fly to you. यदि मैं पक्षी होता तो उड़कर तुम्हारे पास चला आता। यहां पे देखिए, यहां पे उड़ का यूज कहां हुआ है? हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी एक्शन के लिए हुआ है। अच्छा बताइए, क्या इंसान पक्षी हो सकता है? वो केवल कल्पना कर सकता है, इमेजिन कर सकता है कि एक इंसान इंसान ही रहेगा, पक्षी नहीं बन सकता। या उड़ का यूज ऐसे एक्शंस को बताने के लिए किया जाता है जो उस समय अनरियल होता है, उस समय सही नहीं होता जब वो बोल रहा होता है। इन फ्यूचर सही हो जाए वो बात की बात है, लेकिन जब वो बोल रहा होता है उस समय वो सही नहीं होता। जैसे मैं कहूं इफ आई वर अ डियर, इफ आई वर अ डियर आई वुड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। यदि मैं डीएम होता तो लॉ एंड ऑर्डर को या कानून व्यवस्था को बराबर मेंटेन करके रखता। यहां पे क्या हो गया है? यहां भी ए अनरियल एक्शन, ऐसा एक्शन है कि जिस समय इसे बोला जा रहा है उस समय सही नहीं। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, ओके, एक हम आपको सेंटेंस और दे रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं If he had driven slowly, if he had driven slowly, he would not have met with an accident. क्या लिखा हुआ है? If he had driven slowly, he would not have met with an accident. इसका मतलब क्या है? यदि वह गाड़ी स्लो चलाता तो उसका यदि वह गाड़ी स्लो चलाता तो उसका एक्सीडेंट ना होता। इसका मतलब क्या है? घटना पास्ट में हो चुकी है ना, घटना पास्ट में हो चुकी है, वह गाड़ी तेज चलाया और वो दुर्घटना का शिकार हो गया। तो ऐसे एक्शन को बताने के लिए भी उनका यूज किया जाता है। आपको ये ध्यान देना है जो इफ के साथ लिखेंगे उसे लिखेंगे पास्ट परफेक्ट में, और जो आपका मेन क्लॉज होगा उसे लिखा जाएगा उड के साथ, उड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में। एक केवल आप यूं ही समझ लीजिए इसको, और डिटेल में हम चर्चा करेंगे जब आपको कंडीशनल्स पढ़ाएंगे तब, राइट। तो उड के सारे फंक्शंस आपको जरूर समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, हाँ, और उड का यूज किया जाता है किसके, और उड का यूज एक सिनेरियो में और किया जाता है पोलाइटनेस को शो करने के लिए। आइए वो भी देख लेते हैं। क्या लिखा है? Would is used to express
पोलाइट रिक्वेस्ट, व्हाट इज यूज टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए उनका यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, वुड यू प्लीज ड्रॉप मी टू द स्टेशन, क्या लिखा हुआ है, वुड यू प्लीज ड्रॉप मी टू द स्टेशन, क्या आप मुझे स्टेशन छोड़ दोगी। एक कहीं की पोलाइट आप सामने वाले से रिक्वेस्ट ही तो कर रहे हो ना, या आप कह सकते हो वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन टू राइट विथ, राइट, वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन टू राइट विथ, क्या आप लिखने के लिए आप मुझे अपने पेन देंगे क्या। तो कहेंगे पोलाइट रिक्वेस्ट ही तो है, पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, वुड का यूज करते हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको जरूर समझ में आ रही होंगी। आइए चलते हैं, इतना क्लियर है तो वुड के सारे यूजेस आपको आई होप समझ में जरूर आए होंगे, ठीक है। अब वुड के बाद चलते हैं यूज ऑफ मस्ट पर, ठीक है। हाँ, काम करते हैं मस्ट को समझने से पहले आइए हम लगे हाथ आपको ऑट टू समझा देते हैं, क्योंकि ऑट टू और शुड में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। पहले हम ऑट टू को समझते हैं, बाद में हम मस्ट पे काम कर लेंगे, ठीक है। इसका छोटा सा यूज है, आप तुरंत समझ जाएंगे, ठीक है, इसमें ज्यादा हमें परेशान नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, जिन जिन सिचुएशन में आप शुड का यूज करते हो उन सारे सिचुएशन में आप ऑट टू का यूज कर सकते हो, ओके। तो हम कह सकते हैं ऑट टू बराबर शुड, ऑट टू बराबर शुड, ऑट टू और शुड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बातें समझ में आ रही हैं, जहां जहां आपने शुड का यूज किया था, ओके, वहां वहां आप चाहो तो ऑट टू का यूज कर सकते हो आंख मूंद कर। बस अंतर इतना है, जो ऑट टू होता है क्या होता है, ऑट टू एक फॉर्मल होता है, क्या होता है, ऑट टू फॉर्मल होता है, और शुड क्या होता है, शुड आपका फॉर्मल प्लस इनफॉर्मल दोनों होता है। अब फॉर्मल क्या है, इनफॉर्मल क्या है, आइए चर्चा कर लेते हैं। फॉर्मल का मतलब ऑफिशियल आप बोल सकते हो, हम आप पढ़ने पढ़ाते आते हैं तो फॉर्मली आते हैं ना, एक ड्रेस कोड होता है, एक डेकोरम होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, उसको मेंटेन करना पड़ेगा, राइट। और इनफॉर्मल आप घर पे चले गए, आप कोचिंग में हो तो आप फॉर्मल हो, आप कोचिंग से घर में जाओगे क्या हो जाओगे, आप इनफॉर्मल हो जाओगे। आप चाहे लेट के पढ़ो, आप चाहे बैठ के पढ़ो, आप चाहे खाना खाते हुए पढ़ो, तो वहां पे आप चाहो जो चाहो वो कर सकते हो ना, तो आप इनफॉर्मल हो। आप कोचिंग में हो, आप ऑफिस में हो, आप क्लासरूम में हो, आप लाइब्रेरी में हो, तो आप क्या हो, आप वहां पर फॉर्मली हो। तो लैंग्वेज भी होती है, लैंग्वेज भी दो प्रकार की होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। आप घर पे चाहे जैसे बोलते हो, आप घर पे इनफॉर्मल लैंग्वेज का प्रयोग करते हो, कि जब ऑफिस आते हो, आप कोचिंग आते हो, आप क्लास में जाते हो, आप क्या करते हो, आप फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करते हो। इसे ही कहा जाता है फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो उड क्या है, सॉरी ऑट टू क्या है, ऑट टू प्योर फॉर्मल है, और उड क्या है, वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों होता है। इसलिए आपने देखा होगा बोल चाल में या रिटर्न में आप जब इंग्लिश का यूज करते हैं तो शुड का यूज ज्यादा पाते होंगे, ऑट टू का यूज बहुत कम पाते होंगे। आप ऐसा बहुत कम देखते होंगे कि यू ऑट टू अबाइड बाय द रूल, एक गलत नहीं, यू ऑट टू अबाइड बाय, अबाइड बाय का मतलब होता है फॉलो, पालन करना, यू ऑट टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द रोड। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, और इसी को हम चाहे तो शुड से रिप्लेस कर दें, चाहे तो हम लिख सकते हैं यू शुड
abide by the rules of the road. हम लिख सकते हैं you should abide by the rules of the road. तो हमने क्या किया, ought to को should से रिप्लेस कर दिया ना, तो हर जगह ought to को should से रिप्लेस किया जा सकता है. बताते बस इतना याद रखना है कि ought to क्या है, extremely formal है, और should क्या है, formal और informal दोनों है. आइए एक हम और देख लेते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर आज क्लास हम सस्पेंड करते हैं, ठीक है. वन मोर, सब लिखे थे ना, व्हेन ही पनिश्ड यू, यू ought to have told the teacher about it. इसका मतलब क्या है, when he punished you, you ought to have told the teacher about it. इसका मतलब क्या है, जब उसने तुम्हें मारा, जब उसने तुम्हें परेशान किया, उसने तुम्हें मारा, तो आपको टीचर से इसके बारे में बताना चाहिए था. ये पास्ट का एक्शन है, इसलिए मॉडल्स के साथ have plus verb की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है. यहां भी have आया है और verb की थर्ड फॉर्म आई. इस सेंटेंस को हम चाहे तो बिल्कुल should का यूज कर सकते हैं और सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं होगी. हम चाहे तो लिख सकते हैं, when he punished you, you should have told the teacher about, क्या लिखा है, when he punished you, you should have told the teacher about, जब उसने तुम्हें परेशान किया तो आपको टीचर को इसके बारे में बताना चाहिए था. तो यहां पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम ought to को should से रिप्लेस कर दे रहे हैं और सेंटेंस हमारा वैसे का वैसे है. तो आपको ये समझना है ought to और should में कोई डिफरेंस नहीं होता. बट हम इसलिए, आप रेगुलरली जब आप बोलते हो, ओके, लिखते हो, पेपर पढ़ते हो, तो आप should का यूज ज्यादा पाओगे और ought to का यूज कम पाओगे, राइट. और हाँ, कभी कभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आते हैं, ये क्या होता है, ए ought to के साथ ए टू मिसिंग कर दिया जाता है. ध्यान दीजिए, इस ought to के साथ जो टू लगा हुआ है वो कभी मिसिंग नहीं होता, उसका यूज आप डेफिनेटली करेंगे, ओके. अगर टू आपने हटाया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा. बातें आई होप आपको जरूर समझ में आ रही होगी. तो टू वहां पर लिखेंगे आप, टू को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते. तो आई होप जितनी भी चीजें आज हमने पढ़ी आपको जरूर समझ में आया होगा. आज आपने हमने पढ़ा क्या क्या, आइए उसको रिकैप या रिकॉल कर लेते हैं. आज हमने पढ़ा यूज ऑफ क्या, यूज ऑफ कुड पढ़ा, यूज ऑफ शुड पढ़ा, ओके. और क्या पढ़ा, यूज ऑफ, हमने शुड को पढ़ा है, यूज ऑफ हमने क्या पढ़ा है, कुड को पढ़ा है, ओके. और हमने क्या पढ़ा है, यूज ऑफ ऑट टू को पढ़ा है, राइट. हमें पढ़ना क्या है, हमें मस्ट पढ़ना है, हमें शैल पढ़ना है, हमें विल पढ़ना है. ये तीन मॉडल्स हमें और पढ़ने हैं मेन वाले. फिर क्या है, फिर सेमी मॉडल्स में यूज टू, डेयर और नीड को पढ़ना है. बातें समझ में आ रही हैं. तो आज हमने जितने भी चीजें डिस्कस की, आई होप आपको जो है जरूर समझ में आया होगा. वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, ओके. अगर अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा. इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, इससे हमें आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट तैयार करने का हेल्प मिलता है. तो आप जरूर हमें मोटिवेट करिए और हमारा सपोर्ट करिए. आप वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, राइट. और हाँ, हमारा बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे, ओके. अब मिलते हैं कल इसी समय, तब तक टेक केयर, बाय, ओके, चलिए.